हाय फ्रेंड्स, स्वाद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से बनने वाली एक मिठाई, पेड़े। इसके लिए ना किसी मावा की ज़रूरत है और ना ही किसी झंझट की। आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मिल्क पाउडर, 1/4 कटोरी मैंने लिए पिसी हुई चीनी, 1/4 कप दूध, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बादाम और पिसी हुई हरी इलायची। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच बड़े वाले भर के देसी घी। देसी घी के गर्म होने पर जो हमने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया था उसको हम इसमें डालेंगे और आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और धीमी आंच पर इसको हम हल्का सा भूनना शुरू करेंगे। आंच को बिल्कुल भी फ्रेंड्स तेज मत कीजिएगा, नहीं तो ये मिल्क पाउडर हमारा बिल्कुल जल जाएगा। इसे धीमी आँच पर हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का सा पिंक हो जाए, ब्राउन ना होने पाए। इसको लगातार आप चलाते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। 5 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा ये भुनना शुरू हो गया है। इसको लगातार हम पलटते रहेंगे, घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। ये देखिए इस तरह से नीचे से हिला हिला के हम इसको भुनेंगे। ये देखिए मिल्क पाउडर हमारा लगभग भुन के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध और उसको लगातार जल्दी से चला के मिला देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। लगातार इसको मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी पाउडर। मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर उसका बुरादा बना लिया था और इसको लगातार हिलाते हुए अच्छी तरह से मिलाएंगे। नीचे से अच्छी तरह से खुरच के इसको चलाएंगे ताकि नीचे से हमारा ये लग ना जाए। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई हरी इलायची। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने कढ़ाई छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है। ये लगभग बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, एक जगह पर आ गया है, दूध भी बिल्कुल सूख गया है और बिल्कुल खोए की तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। जब ये इस तरह से हो जाएगा इसका मतलब है ये पेड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और एक नींबू के आकार के बराबर हम इसमें से मिल्क पाउडर कब निकालेंगे, जैसे एक नींबू का शेप होता है ना, उस तरह से इसको गोल करेंगे और हल्का सा अंगूठे से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे पेड़े का शेप आ जाएगा। और गार्निशिंग के लिए एक बादाम लगा देंगे, चाहे तो आप पिस्ता लगा सकते हैं, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं आप वो लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके हमने इसको अंगूठे से हल्का सा प्रेस किया और इसमें एक बादाम लगा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाऊंगी चॉकलेट वाले पेड़े बनाना भी। इसी मिक्सचर से आप चॉकलेट पेड़े भी बना सकते हैं। उसके लिए हम कोको पाउडर लेंगे और इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच भर के कोको पाउडर मिक्स कर लेंगे, जो हमारा ये मटेरियल है मिल्क पाउडर वाला। इसी में चॉकलेट पेड़ों का फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे से बहुत ही खुश होकर खाते हैं। इसमें अच्छी तरह से हम कोको पाउडर को मिक्स कर देंगे ताकि ये बिल्कुल एक सार हो जाए। अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा के प्रेस करके हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से कोको पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाए और बिल्कुल एक समान हो जाए सारा कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल चॉकलेटी बन गया है ना। अब हम इसके भी पेड़े बना लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप चाहे चॉकलेट पेड़े बनाएं या प्लेन पेड़े। इनको भी हमने उसी तरह से बनाना है। हाथ में हल्का सा घी लगाकर नींबू के आकार का हम बनाएंगे और हाथ में हल्का सा प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक बादाम लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितने टेस्टी। आप इन्हें घर पे ज़रूर बनाइए। आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और कोरोना की वजह से कोई भी बाहर से मिठाई लाना पसंद नहीं करता है, तो आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से और झटपट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खोया लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पेड़े तैयार हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़े। ये हमारे चॉकलेट पेड़े। अब मैं आपको इसे एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया बने हैं ये। कोई कह नहीं सकता कि ये खोए से नहीं बने हैं। आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं आगे और भी जो वीडियो लेकर आऊँगी वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाए। बाय बाय।